आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वायर और केबल के बीच में क्या अंतर होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं, जिसको आप किसी को भी आंसर कर सकते हैं और अपने इंटरव्यू में भी इस आंसर को आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी कम लगेगा और आपका जो इंटरव्यू ले रहा है या फिर आपने से जिसने क्वेश्चन पूछा है वो बहुत आसानी से आपके आंसर से सेटिस्फाइड हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि वायर और केबल के बीच में सबसे ज़्यादा अंतर क्या होता है, मानी मेजर डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच का। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वायर और केबल दोनों अलग अलग चीज़ हैं। वायर क्या होता है, एक सिंगल तार। सिंगल तार आप देख सकते हैं आपके घर में जो वायर आता है वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वाले वायर्स, ये यूज़ होते हैं हमारे सिंगल वायर। और ट्रांसमिशन लाइन में अगर मैं एक लाइन की बात करूँ तो वो वायर है, लेकिन अगर पूरे ट्रांसमिशन लाइन के कॉम्बिनेशन की बात करूँ, यहाँ पे वहाँ पे जो आर वाई बी यानी कि तीनों फेज की बात करूँ, तो वो होता है हमारा पूरा केबल सिस्टम के अंदर आ जाता है। मतलब वो कई सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। और ठीक इसी तरह आप देख सकते हैं आपका जो यूएसबी केबल होता है उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल तार लगे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका लैन होता है, इसको भी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा होता है ये केबल के अंडर में आता है। हमारा यूएसबी केबल होता है, हमारा ईयरफोन होता है, और भी जितने चीज़ होती है जहाँ पे मल्टीपल तार यूज़ होते हैं वो केबल में ही आता है, उसको आप केबल बोलेंगे। और जितने भी सिंगल वायर होते हैं इसको आप बस केबल नहीं बोलेंगे, इसको आप वायर बोलेंगे। तो ये मेन और बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच का, ठीक। और अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो आपको बहुत ही आसानी से इसका आंसर देना है और बहुत ही शांत स्वभाव से। सो आपको सबसे पहले क्या बोलना है, अगर आपसे पूछा गया कि वायर और केबल के बीच में अंतर बताइए, तो आपको सिंपल ये जवाब देना है कि एक सिंगल वायर, एक सिंगल कंडक्टर को हम वायर बोलेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल वायर एक साथ कंबाइंड है और सेपरेट है, यानी कि दोनों के जितने भी केबल्स लगे हुए हैं वहाँ पे वायर्स लगे हुए हैं, उन सबके बीच में एक डिवाइडर लगा हुआ है जिसकी वजह से वो सब अलग अलग काम कर रहे हैं अपना अपना, और अलग अलग वोल्टेज हर एक लाइन में है, तो इसकी वजह से हम उसको केबल बोलेंगे जिसमें मल्टीपल्स कंडक्टर वायर लगे हुए हैं, और वायर एक सिंगल कंडक्टर को बोलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया।